उसको अपने कुल्हड़ में चाय पी होगी, लस्सी पी होगी, शिकंजी पी होगी या ठंडाई पी होगी, क्या खाया है कभी कुल्हड़ में पिज्जा? हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। खाने की खोज में आ चुकी हूँ मैं ईस्ट दिल्ली रैबिट लेक कैफे पर, और मैं यहाँ ट्राई करने वाली हूँ इनकी चीज़ी डिशेस डिशेज, और साथ में देखते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है इनके मेन्यू में, हम वो भी ट्राई करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और ऑर्डर करते हैं यहाँ से फूड और देखते हैं वो कैसा है। यहाँ पर हमारे चीज़ी लोडेड गार्लिक ब्रेड की मेकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें इन्होंने ब्रेड को पीसेस में कट कर लिया है, और अब ये उनके ऊपर लगाएंगे ढेर सारा बटर और ऊपर से डालेंगे गार्लिक मसाला। गाइज, आपको लोडेड चीजी गार्लिक ब्रेड ज़्यादा पसंद है या सिंपल प्लेन गार्लिक ब्रेड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी यहाँ पे वेजीज डाली जा रही हैं हर ब्रेड के ऊपर, इन्होंने अनियन डाल लिया है, कैप्सिकम डाल चुके हैं, और अब डालेंगे स्वीट कॉर्न, जो कि मुझे गार्लिक ब्रेड पे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब ये मेयोनीज हर ब्रेड के ऊपर, काफ़ी सारे लोडेड गार्लिक ब्रेड बनने वाले हैं ये। और ये तंदूरी सॉस लगाई इन्होंने, अब ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं ऑरेगानो एंड चिली फ्लेक्स, देखकर तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और अब बारी आती है चीज़ी लीशियस हेवन की, भर भर के चीज़ डाली जाएगी गार्लिक ब्रेड्स पर, कोई कंजूसी नहीं है चीज़ डालने में, तो भाई साहब मज़ा आ गया देखकर ही। और अब ये ऊपर से ऑलिव डालकर रेडी हो चुके हैं, और अभी जाएंगे तंदूर में रेडी होने के लिए। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिश की मेकिंग, और वो क्या है, वो है पिज्ज़ा स्टाइल गार्लिक ब्रेड, जिसमें ब्रेड को पीसेस में कट कर रहे हैं। तो ये पिज्ज़ा के जैसा बेस रेडी हो चुका है, उसके ऊपर इन्होंने डाली पिज्ज़ा पास्ता सॉस, और अब ये तंदूरी सॉस, और अब अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। ये कुछ नया आइटम था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी मेकिंग। और अब ये मेयोनीज, और ये अब वेजिटेबल्स की बारी आ चुकी है, तो पहले अनियन, अब ये कैप्सिकम, और ढेर सारे कॉर्न, और अब ये हर्ब्स ऑरेगानो एंड चिली फ्लेक्स वगैरह। अब इसके ऊपर डाला जाएगा ढेर सारा चीज़, अच्छे से चीज़ से इसको कवर कर दिया जाएगा, जो देखने में बड़ा ही मज़ेदार है। फिर इसके ऊपर हर्ब्स डाल के इसको तंदूर के अंदर रेडी होने के लिए रख दिया जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट आइटम की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो है कुल्हड़ पिज्जा। फिलिंग रेडी हो रही है यहाँ पर, तो बाउल में इन्होंने ली वेजीज, कैप्सिकम, अनियन, स्वीट कॉर्न एंड पनीर के ढेर सारे क्यूब्स, इनको किया मिक्स। अब डाल रहे हैं हर्ब्स और चिली फ्लेक्स, और उनको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अब आती है सॉसेस की बारी, पिज्जा पास्ता सॉस, उसके बाद तंदूरी सॉस, उसके बाद ढेर सारी मेयोनीज, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स देखने में ही इतना शानदार लग रहा है ना, कि इसको अगर ब्रेड्स के अंदर डाल के सैंडविच बनाया जाए ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये कुल्हड़ के अंदर इन्होंने डाली मेयोनीज, उसके बाद ब्रेड्स, और उसके बाद जो इन्होंने फिलिंग रेडी की है उसको अच्छे से भर दिया, और उसके बाद फिर से थोड़ी मेयोनीज, उसके बाद फिर से थोड़े ब्रेड्स, और फिर से फिलिंग डाल दी। फिलिंग भरने में कोई कंजूसी नहीं की है, मेकिंग देखकर ही इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। फिर बहुत सारी चीज़ से अच्छे से कवर कर दिया, ढेर सारी चीज़ भर भर के एकदम, और ऊपर से अब ये रेड पेपरिका से इसको डेकोरेट कर रहे हैं, जो इसकी ब्यूटी को और बढ़ा रहा है। और फिर डाला तंदूर में, और अब यहाँ पर ये इनका रैबिटली स्पेशल पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, जिन्होंने ब्रेड पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दी, मेयोनीज लगाई। आपको मेकिंग देखने में कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं, कि मैं मेकिंग आगे से रखूं वीडियोस में या ना रखूं। और अब ये इन्होंने इस पर डाला था ढेर सारा चीज़, उसके बाद वेजीज, अनियन, ये रेड बेल पेपर, ये मशरूम, कैप्सिकम, और अब ये डाल रहे हैं स्वीट कॉर्न, और ये उसके बाद है जलपिनो, ऑलिव्स, और फिर से ढेर सारा चीज़। चीज़ डालने के बाद ऊपर से चिली फ्लेक्स डाले जाएंगे, और इसे भी तंदूर में रख दिया जाएगा। और रेडी होने के बाद चलिए टेस्ट करते हैं सारे डिशेस को। तो दोस्तों, अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ रैबिटली स्पेशल पिज्ज़ा। ये यहाँ का काफ़ी फेमस पिज़्ज़ा है, आप देख सकते हो, देखने में काफ़ी प्रिटी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, जितना ये देखने में खूबसूरत है, खाने में भी उतना टेस्टी है या नहीं। और ये काफ़ी गर्म है,
अब देख सकते हो इसके ऊपर काफी सारी वेजीज है, काफी चीजी है, वेजीज का प्रॉपर क्रंच आ रहा है, थोड़ा स्पाइसी टैंगी है, और इतनी सारी वेजीज मुझे तो बहुत पसंद है पिज्जा में। अगर आपको भी पसंद है तो यहाँ का पिज्जा आप ये ट्राई कर सकते हो, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गर्मा गर्म पिज्जा, इससे बेहतर और क्या होगा। तो पिज्जा तो मुझे काफी पसंद आया और इसकी मेकिंग भी मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन मोस्ट यूनिक आइटम देखने के लिए ना, जो थोड़ा हटके, उसके लिए वीडियो आगे तक देखते रहो, क्योंकि कुछ अलग आने वाला है। तो आ चुके हैं हमारे गार्लिक ब्रेड, मेरे लिए सिर्फ दो पीसेस बचे हैं क्योंकि बाकी तो सारे मेरे फ्रेंड्स ने खा लिए। भाई साहब ये चीज देख रहे हो, क्रीम, मेरा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, ये इतना टेस्टी है। गाइस ये आइटम बहुत ज्यादा चीजी है, और इन सबकी प्राइस, लोकेशन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे मिल जाएगी। दोस्तों आपने गार्लिक ब्रेड खाया होगा, पिज्जा खाया होगा, क्या पिज्जा स्टाइल गार्लिक ब्रेड कभी खाया है? शायद ना खाया हो, क्योंकि ये सिर्फ आपको मिलेगा अभी तो रैबिटली कैफे में ही। तो मैं ट्राई करती हूँ, और ये देखने में तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत सारी वेजीज इसके ऊपर डाली है, फुल लोडेड है। और बाकी टेस्ट देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। इसका ना ब्रेड ऐसा है, अच्छे से एकदम ये सिका हुआ है, एकदम गर्मा गर्म है, और चीज़ भी देख रहे हो आप। ऑल दो इसको थोड़ी देर हो चुकी है आए हुए, फिर भी इसमें चीज़ फुला रहा, तो आप सोच सकते हो ना कितना चीज़ी है ये। टेस्ट करते हैं, बहुत गर्म है। जो भी चीज के दीवाने हैं ना, सबसे पहले वीडियो लाइक करो, इतने चीजें आइटम दिखा रही हो यार, किसका मन नहीं करेगा खाने के लिए, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। कमेंट करो आपका फेवरेट चीज आइटम, वैसे तो यहाँ पे जो भी मैं दिखा रही हूँ ना, सब आप ट्राई कर सकते हो, सब बेस्ट है, किस चीज में चीज नहीं है। ये चीज दिखाई दे रही है, इसी को खा के देखती हूँ कैसी लगती है। इसे बोलते हैं चीजी हेवन। तो अभी तक मैं आपको चीजी डिशेस डिशेस दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ की कुछ हटके डिशेस भी आपको दिखाई जाए। पहले आप ऐसा करो, वीडियो पॉज कर लो और बताओ कि ये आपको क्या लग रहा है, कमेंट में जल्दी से बता दो। चलो मैं बता देती हूँ, देखने में तो आपको लग रहा होगा कटलेट है या फिर कुछ नॉनवेज आइटम है। आप कहोगे वर्षा और नॉनवेज, ये वेज ही है, और ये है कुरकुरे मोमोज। ऐसा कुरकुरे मोमोज खाया है कभी? इतना बड़ा, इतना जाइंट भाई साहब मैंने नहीं खाया, मैं पहली बार खाने वाली हूँ। कुरकुरे मोमोज बहुत खाए हैं, पर इतना सही मोमोज नहीं खाया। अभी इसको तोड़ते हैं और देखते हैं इसकी फिलिंग कैसी है। भाई काफी क्रिस्पी है, फिलिंग देख रहे हो, फिलिंग चेक करो, काफी अच्छे से लोडेड, एकदम वेजीज भरी हुई है, पनीर है, मुझे अनियन दिख रहा है, स्प्रिंग अनियन दिख रहा है। और चलो टेस्ट करते हैं इनकी स्पाइसी चटनी के साथ, और थोड़ी मेयोनीज भी लगा देती हूँ, मेयोनीज लवर्स को क्यों दुखी किया जाए, है ना। तो चलिए टेस्ट करते हैं अपना ये जॉइंट कुरकुरे मोमो। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो ना, आपको पता होगा कि मुझे मोमोज कितने ज्यादा पसंद है। आपको भी अगर मोमोज पसंद है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो को जल्दी से लाइक करो, ये आप ट्राई करो। भाई साहब इतने क्रिस्पी, इतने डिलीशियस मोमोज, कुरकुरे मोमो मैंने नहीं खाए। कुरकुरे मोमोज ट्राई करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का चाइनीज प्लेटर भी टेस्ट करके देखा जाए कि भाई कैसा है यहाँ का चाइनीज फूड भी, क्योंकि चाइनीज फूड भी मुझे उतना ही पसंद है जितना कि मोमोज, और इस प्लेटर के अंदर भी मोमोज है। तो आप दिखाती हूँ मैं क्या क्या है इसके अंदर। है फ्राइड मोमोज, वैसे दो मोमोज आते हैं, आपको पता है मैं अकेले तो कहीं जाती नहीं, पूरा ग्रुप साथ में जाता है, तभी इतनी सारी चीज़ें मैं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। अन्ना लोग बोलते रहते हैं कितना खाती है, कितना खाती है सारा, मैं नहीं अकेली नहीं खाती हूँ, मेरे साथ बहुत लोग होते हैं। ये शूट कर रहा है ना कैमरे के पीछे, द फूडी हैट, ये भी खाता है, है ना। तो इसके अंदर दो फ्राइड मोमोज, और मोमोज का साइज देखो गाइस आप, अच्छा खासा साइज है। ये हक्का नूडल्स हैं, ये आपके मंचूरियन है, ये आपका स्प्रिंग रोल है, और ये आपका चिली पराठो है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले जल्दी जल्दी सब टेस्ट करती हूँ, और लास्ट में बताऊंगी ये सब कैसा है। बहुत बढ़िया, स्प्रिंग रोल,
चिली पटाटो, आप चाहे तो चिली पटाटो की जगह हनी चिली पटाटो भी ले सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस पर है। मुझे चिली पटाटो ज़्यादा पसंद है। और भाई मोमोज खाने का मजा ना ऐसे ही आता है। तो गाइस प्लेटर की सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। आप बोलोगे वर्षा हर चीज़ को बढ़िया बोल रही है, आप आओ तो सही, आओ तो सही, फिर खुद बोलोगे कि हाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। दोस्तों आपने कुल्हड़ में चाय पी होगी, लस्सी पी होगी, शिकंजी पी होगी या ठंडाई पी होगी, क्या खाया है कभी कुल्हड़ में पिज्ज़ा? भाई मेकिंग तो मैंने आपको दिखा दी, बहुत ही डिलीशियस थी और क्या हैवी चीज़ पुल आया था इसका। और अभी थोड़ी देर हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ, काफ़ी गर्म है, चीज़ पुल आया है नहीं आया? ओ माय गॉड भाई अभी भी बहुत गर्म है, ये कुल्हड़ का कमाल है भाई, कहाँ जाके रुकेगा। हाँ जी अंदर काफ़ी सारी वेजीज हैं, पनीर है, सॉस है, सुपर चीज़ी। बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी भाई, ये तो मस्ट ट्राई है। रैबिटली कैफे आओ, ये ट्राई ना ज़रूर करना। ये देखो चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओ भाई बहुत हैवी है, बहुत ही शानदार गजब की चीज़ है। आओ कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्राई करो भाई, जिसने भी नहीं किया है। वैसे तो काफ़ी यूनिक चीज़ है, किस किस ने अगर ऐसी कुछ चीज़ खाई है ना तो मुझे बता दो कि कहाँ पे ये यूनिक यूनिक आइटम मिलते हैं। और ये वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लग रही है ना भाई तो पहले लाइक कर दो, इतनी यूनिक चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ ना, वीडियो लाइक नहीं करते यार ऐसे कैसे चलेगा। वीडियो की ग्रोथ बढ़ाओ यार, चैनल की ग्रोथ बढ़ाओ ताकि और भी ऐसे डिलीशियस आइटम आपके लिए लेकर आ सकूँ, ठीक है ना? तो भाई वीडियो का एंड ना यहीं पर करते हैं क्योंकि मुझे ये खाना है, बहुत ही डिलीशियस है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खाते रहो और खुश रहो।